जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं आज का ब्लॉग 4 बजे स्टार्ट कर रही हूँ, तबीयत सही नहीं रहने के कारण। और आज का जो ब्लॉग है दोस्तों, वो कुछ अलग है। और मन मन में आप लोग मुझे बहुत डांटोगे, बहुत कोसोगे। लेकिन कोई बात नहीं, शायद मुझे कुछ लोग समझे। आज का जो ब्लॉग है उसमें आज मैं दिखाऊंगी जो गणेश जी ने टीना का सेटअप बनाया है, उसमें आज क्या काम हो रही है और कारण रीजन शायद मैं ठीक से ना बता पाऊँ। कोशिश करूँगी कि सारा कुछ खुल के बताऊँ। कंटिन्यू। तो दोस्तों, ये रेती हमारा कल आया है ना गणेश जी। कितना ब्रास का गिरा है? दो। हाँ, दो ब्रास। दो ब्रास का कितना में आया? तो 12 बोले पर कम करेंगे। कम करेंगे क्योंकि दोस्तों हमारा जो आपको वो रेती दिखाई दे रही है, वो रेती कोई काम का नहीं है। कोई काम का नहीं मतलब हमारा इसमें कितना लगा था गणेश जी, इस रेती में? 32,000। हाँ, 32,000 हमारा गोल हो गया है कि नहीं। अभी हमारे गणेश जी पानी वानी दिए ना, तो पूरा बेचारा भीग गया। तो आज रेती का काम हमें आना पड़ा क्योंकि हमारे स्लैब अगर होगा भगवान ने चाहा तो वो रेती तो बिल्कुल खराब हो गया है ना गणेश जी। हाँ। वो रेती बिल्कुल खराब हो गया, उसका काम में आने वाला यूज है नहीं ये जो रेती है। अब इसीलिए ये नया वाला रेती मंगाए ताकि हमारा अच्छा से काम हो। और दोस्तों इधर से गणेश जी बोल रहे हैं लेबर लोगों को कि जल्दी जल्दी काम कीजिए, तो ये बोल रहे खर्रा खाने दीजिए तो खन्नी खाने दीजिए, क्योंकि काम हमारा हो ही नहीं रहा है। अब देख सकते हैं सब कुछ हम लोग सुविधा दिए हैं, छड़ से लेके सीमेंट से लेके रेती से लेके सब कुछ। प्रभु का आज सवेरे गया हमारे के बाद में आया उसका यार पूछ नहीं, मैं प्रभु को लगाया था ना फोन, मैं नहीं लगाया उसको। उसका कल 3 बार आया और आज 1 बार आया क्या? मैं बोला नहीं, तो बाकी लेबर आए, मैं बोला आए चालू है और चालू है। अबे ऐसे डालना, अबे ऐसा जादी डालना 100 ग्राम। अन्य आया, अन्य क्या कर रहा बोले? मैं बोला अन्य कलम ठोकेंगे अभी। और लाना पड़ेगा क्या? नहीं है ना। हाँ है। और उसी में थोड़ा सा पानी डाल के एक मग्गा हला के फिर दूसरे फरमा में डाल। ये जो आप देख रहे हो, ये आप मेरा किचन ही समझ लीजिए या जो भी समझना है, उसमें ये रेती भर दिए हैं। और अंकल लोग बोल रहे हैं देखते हैं आज कितना काम होता है, करके कंप्लीट ही कर देते हैं। तो इधर से आप देख सकते हैं माल वाल बन रहा है, लेकिन ये माल 3 पिल्लर भी है आज। वो 3 पिल्लर को भी गणेश जी उन लोगों को बोल दिए कि देखिए आज मेरा काम होना है, और थोड़े से चेहरा दिखाने के लिए हमारे आए हैं। अभी 4:30 बजे ये ठेकेदार जी आए हैं, तो बोले कि मुझे 3 पिल्लर भी होना, और ये मतलब टाइट होके बोले गुस्सा से, और ये जो मेरे छोटा सा जो मैं रूम बनाया हूँ इसको भी क्लियर होना। तो देखते हैं कितना करते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। गणेश जी पानी दे रहे हैं ताकि वो अच्छा से बढ़ जाए ना। और रेती देना है ना, हो जाएगी इतना में हो जाएगी, इसकी तरह कंक्रीट आ जाए। रेती नहीं देना ना, नहीं वो जो खराब रेती है थोड़ा सा दो चार टुकड़े डाल देंगे खराब है। अच्छा से बैठ जाएगा, पैर में चुभेगा नहीं, और ज्यादातर तो मिट्टी मिक्स है ना। क्या बोले गणेश जी? दब रहा है ना, इसको पानी ज्यादा देना पड़ेगा। और झुरमुस का तो नाम निशाना ही नहीं है, कितना बोलिए झुरमुस लेके आने वाले हैं नहीं। नहीं सच में हमारे तो घर घर में रहता, या फिर नहीं भी रहती तो अगल बगल में किसी का नहीं किसी का मिल ही जाता मांगने का। तो दोस्तों आज जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, ये मेरा किचन है, और किचन के लिए स्पेशली मेरे लिए ओटा बना रहे हैं मेरे गणेश जी।
अभी पूरा काम तो नहीं हुआ है, अंकल अभी आधा अधूरा किए हैं, क्योंकि हमारा काम एक दिन में सफल होता नहीं है। हाँ हाँ, तो अभी हम गणेश जी को बोले कि नीचे में थोड़ा स्पेस बचेगा, ये थैला वैला रख सकते हैं, तो ये बोले नहीं मजबूत रहेगा, ड्रम वरम लास्ट में बाद में रखने में काम आएगा, टांगने आंगने के लिए, जैसे किचन का सामान हो कुछ भी तो टांगने के लिए ये देख सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं, हुक, गणेश जी हुक बोलते हैं, उसके ऊपर लेंगे ठीक उसी लेवल। हाँ, इसको हुक बोलते ना, इसमें मतलब सामान वान जो है टांगने के लिए ना, थैले टांगेंगे, थैले टांगेंगे, सब्जी भाजी ये सब में टांग के रख सकते हैं। इसमें पंखा, और यहाँ पर हम मेरे लिए स्पेशली पंखा का भी बंदोबस्त किया जा रहा है ना। थैंक यू, हो चुका, थैंक यू। तो दोस्तों मैं बोली गणेश जी को कि यहाँ पर जो आप भरण करवा रहे हैं ठीक है, तो उसमें मैं बोली दोनों तरफ छोटा छोटा दो दीवार छोटा छोटा उठा के उसके ऊपर आप ये ग्रेनाइट ना क्या बोलते हैं कलप्पा वो दे दीजिए। तो गणेश जी बोले कि अभी आपके लिए इमरजेंसी में बन रहा है, लेकिन आगे जाके मेरा काम देगा, जैसे दुकान का काम रहेगा तो ड्रम वगैरह इसके ऊपर चढ़ा के रख सकते हैं, और इसका वजन भी वो आसानी से ले सकता है, झेल सकता है, जो भी बोलिएगा। तो अभी दोस्तों अभी हमारा काम जोरों शोरों से चल रहा है, और अभी जो आप रूम देख रहे हो जिसमें ओटा आधा अधूरा बनाया है, वो सबसे पहले अभी ढलाई हो रही है। अंकल लोग बोले कि वो फटाक से कर देते हैं, छोटा सा एरिया है, टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद पिल्लर भरेंगे। तो मैं बोली ठीक है, जैसे अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा कच्चा है, टूट टूट ना जाए, तो बोला आज करेंगे ये ढलाई, उसके बाद उसमें प्लास्टर क्या बोलते हैं जो सीमेंट का पतला सा लगाते हैं जी, याद आ गया, उसके बाद मारेंगे घोला, मतलब पहले ढलाई होगी उसके बाद मारेंगे घोला। आइए दिखाती हूँ कैसे मसाला वसाला बना रहे हैं। वो भी पूरा उठा हुआ है नहीं, कौन वाला अबे और इसको कौन मसाला थोड़ा बाकी है नहीं, पीछे से पूरा ऊंचा करके लाने पड़ेगा। अरे सामान होना चाहिए, पानी वानी इधर उधर नहीं होना चाहिए बाबू, यहाँ जो गैप फिर जमा रह जाएगा, ये रह जाएगा, यहाँ तक इसको इतना ऊंचा करना, तो उधर से ऊंचा करके लाने पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों अभी जस्ट देखिए जा रहे हैं शायद मजदूर लोग, मैं दिखाती हूँ, दिख रहे हैं कि नहीं, पैक करके दिखाती, अभी तुरंत पैसा दिए, पेमेंट किए, और मतलब आज सैटरडे काम नहीं हुआ था, सैटरडे हम लोग नहीं आए, वो ले लोग आएंगे नहीं आएंगे कोई ठिक ठिकाना नहीं है, तो आज संडे को फोन किया चेहरा दिखाने के लिए 4:30 बजे ठेकेदार आए, बताइए, और दूसरा कहीं काम कर रहे थे, अभी पेमेंट नहीं, क्योंकि मजदूरों का पेमेंट हम लोग नहीं मारते हैं, मजदूर का एक पैसा भी हम लोग नहीं रखते हैं, जबकि इसके ऊपर ठेकेदार को पैसा दे चुके हैं, क्या बोलें। लेकिन आज 4 ही आदमी ने इतना काम किया, वो रूम का ढलाई किया, ओटा बनाया, 3 पिल्लर भरा, मतलब ऐसे 8-7 लोग आएंगे, इधर कोई बैठेगा उधर बैठेगा, कोई खर्रा खाएगा कोई खैनी खाएगा कोई पिएगा, ऐसे ऐसे लोगों को जानबूझ के लेके आते हैं। तो दोस्तों आज का जो काम हुआ आप लोगों ने देखा,
और मेरा कहने का कारण था कि अभी मेरी सिचुएशन बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा। समय आने पर आप लोग को पता चल ही जाएगा। गणेश जी वीडियो एंड करने के लिए आपको बुला रही हूँ। चलो, आपके बिना वीडियो एंड कैसे होगा। तो दोस्तों, पेमेंट देके ये देख सकते हैं सिर्फ 500 रुपया बचा है। तो ऐसा बहुत बड़ा उत्सव है जो कि 550 साल के बाद अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर की कल प्राण प्रतिष्ठा है। और दोस्तों, फिर से दीपावली, उसको दीपावली भी समझ सकते हैं, उसे श्री राम नामी भी समझ सकते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ का त्योहार है कल का, आज भी नजारा में हम लोग अलग साइड है, इसलिए दिखाई अभी नहीं दिखा सकते, लेकिन ये जो भव्य जो सजाया गया, मतलब दिवाली से भी अच्छा, बिल्कुल बहुत गजब। चारों तरफ जय श्री राम का नारा और झंडा हमने भी लिया है। हाँ। और कल उसे हम भी लगाएंगे अपने इसी घर पे, इसी टीना के घर पे लगाएंगे, और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसे महोत्सव मनाया जा रहा है। और हरेक मंदिर में भोजन है, हरेक मंदिर में, मतलब अभी तो आज से ही भोजन शुरू है, आज कल महाप्रसाद जिसको बोलते हैं, आज कल परसों 3 दिन हमारे यहाँ पे महाप्रसाद चालू कंटिन्यू। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आए, पसंद प्लीज हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र, जय हो झारखंड के जमाई।